हेलो हेलो एवरीवन गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून राम राम जय हिंद नमस्ते सत श्रीकाल सभी को भाई कैसे हैं आप सभी एक बार बताएं भाई वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें ओके हैं क्या जो भी आप में से लाइव हैं दोनों चीज़ें एक बार चेक करके बताना दोनों चीज़ें ओके हैं इसके बाद जो है अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं जय हिंद भाई सभी को जय हिंद नमस्कार मनीषा रानी जी नमस्कार एक बार बता दें वो इस वीडियो दोनों चीज़ें ओके है ना ये जो अपनी क्लास रहेगी ये चंडीगढ़ के एग्ज़ाम के लिए रहेगी स्पेशली चंडीगढ़ के जो पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम के अंदर आईसीटी आनी है उसकी क्लास जो है ये रहने वाली है इसके बाद इस क्लास के लिए जो एम मैं में डालने वाला हूँ वो बता देता हूँ अपना जो टेलीग्राम चैनल है लाभ सिंह नैन के नाम से एल ए बी एच एस आई एन जी एच इकट्ठा नाम है इकट्ठा लिखना एन ए आई एन लाभ सिंह लिखोगे टेलीग्राम चैनल मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल में आज मैं 150 क्वेश्चन का मोक टेस्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का डालने वाला हूँ जिसमें वर्ड के क्वेश्चन होंगे एक्सेल के क्वेश्चन होंगे और पावर पॉइंट के क्वेश्चन होंगे भाई ठीक है ना और पावर पॉइंट के क्वेश्चन होंगे पावर पॉइंट के यानी कि उनके क्वेश्चन आंसर समेत जो है आज मैं इस टेलीग्राम चैनल के अंदर पी डालने वाला तो पी आप जरूर कर लेना भाई ठीक है ना क्लियर बात सभी को जय हिंद भाई सभी को आपको भी हैप्पी न्यू ईयर सभी को हैप्पी न्यू ईयर सर मैंने आपकी फर्स्ट टाइम क्लास यूट्यूब पर आपका वे ऑफ टीचिंग इज सुपर थैंक यू सो मच जी सीमा जी स्वागत है आपका यू आर वेलकम राम राम भाई सभी को हैप्पी न्यू ईयर भाई सभी को हैप्पी न्यू ईयर भाई ठीक है तो ये पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर लेना इस पीडीएफ से आपको बहुत सारा फायदा जो है हो जाएगा भाई क्लियर चलिए भाई करते हैं शुरू आज की क्लास भाई आपके एग्जाम के अंदर जो चंडीगढ़ के पीजीटी टीजीटी एग्जाम है उनके अंदर जो चीजें आएंगी वो मैं बता देता हूँ ठीक है चंडीगढ़ के एग्जाम के अंदर जो टीजीटी पीजीटी के अंदर आना है वो क्या कुछ है चंडीगढ़ वाले एग्जाम के अंदर जो है आपको आईसीटी आनी है और आईसीटी में जो है सबसे ज्यादा जो है एक तो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर और वो भी कौन सा सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर है सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा एम एस ऑफिस जिसके तीन चार पार्ट हैं एम एस वर्ड है एम एस वर्ड एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट ये तीन चीजें जो है उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी क्योंकि एग्जाम सिलेबस के अंदर जो है ये चीज़ें दी गई है एक टीजीटी के अंदर टीजीटी स्पेशल के अंदर जो है उसमें कम्युनिकेशन भी दे रखा है क्या दे रखा है कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन अगर आपने कोर्स में पढ़ लिया है तो अच्छी बात है अगर कोर्स के अंदर नहीं पढ़ा है यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो सी ई टी मेन्स एक प्ले लिस्ट है सीई टी मेन्स थ्यूरी की एक प्ले लिस्ट है, है उसमें कंप्यूटर कम्युनिकेशन करवा रखा है मेंबरशिप के माध्यम से आप वो ले सकते हो भाई ठीक है ना वो आप पढ़ सकते हो ठीक है देखो भाई तो इनमें क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इन क्वेश्चन की मैं आपको डेढ़ सो क्वेश्चन की जो है पीडीएफ आपको आज टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा और जिन्होंने जिन्होंने अचीवर अकेडमी पर अपना कोर्स ले रखा था वो जो है उस पी को अचीवर अकेडमी पर भी प्राप्त कर सकेंगे अपने वाली ऐप पर भी प्राप्त कर सकेंगे और अपने वाली टेलीग्राम चैनल में तो प्राप्त कर ही सकेंगे भाई ठीक है ना क्लियर तो भी को सर मेरे बेटे को हेलो बोल दो वो आपका हेलो बोल रहा है सर प्लीज से हेलो हाँ हाँ बिल्कुल भाई हेलो भाई हेलो छोटू कैसे हो हैप्पी न्यू ईयर टू यू हाँ जी प्रैक्टिस सफिशियंट रहेगी और जहाँ भी आपको अपनी क्लास में ये लिखा मिले एम एस वर्ड एम सी क्यों एम एस एक्सएल एम सी क्यों एम एस पावर पॉइंट एम सी क्यू वो ज़रूर कर लेना जैसे कंप्यूटर चालीसा अगर आप पढ़ो कंप्यूटर चालीसा अगर पढ़ो तो चालीसा में सीधे चले जाना जहाँ पर एम एस वर्ड करवा रखा हो एक्सेल करवा रखा हो पावर पॉइंट के एम सी यू करवा रखे हो वहाँ चले जाना डायरेक्ट ठीक है समझ में आ गई बात सभी को ओके okay, रिपोर्ट है चलिए अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है करेक्ट डेफिनेशन नहीं है तो एस रैम की करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है एस मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये बिल्कुल सही बात है ये क्या है है बिल्कुल सही बात पी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये भी बिल्कुल सही बात है डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है डी फॉर डायनेमिक होता है बिल्कुल सही बात है और ये रैम जो होती है ये रिफ्रेश भी होती है क्या होती है रिफ्रेश भी होती है ध्यान रखना ठीक है ना क्लियर एस ए एम ये कोई टर्म नहीं होती एस रैम होती है टर्म स्टैटिक एक्सेस मेमोरी कोई मेमोरी नहीं होती तो डी इज राइट आंसर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई क्लियर है बात सभी को जी नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं भाई चलिए भाई अगला क्वेश्चन आ जाओ अगला क्वेश्चन बताओ इसका राइट right आंसर क्या होगा भाई बताए भाई देखो भाई ऑफ़ तो आर टाइप्स सेकेंडरी स्टोरेज इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज का टाइप है तो हमने बताना है सेकेंडरी स्टोरेज का टाइप कौन सा है एक क्वेश्चन मेमोरी से लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिलता है चाहे सिलेबस में दें चाहे ना दें इसलिए ये मेमोरी के क्वेश्चन भी हैं और आज आपके सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा भाई ठीक है तो देखो भाई इसमें कहा सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा है क्या कहा है सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा है सिर्फ ये कहा है तो सेकेंडरी प्राइमरी में कौन से कौन से होते हैं प्राइमरी में रैम और रोम होते हैं प्राइमरी में क्या क्या होते हैं मेरे भाई प्राइमरी के अंदर एक तो रैम होती है एक रोम होता है प्राइमरी में क्या क्या होते हैं एक तो होती है आपकी रैम और एक होती है आपकी रोम जो दोनों हैं ये दोनों क्या हैं प्राइमरी है तो यहाँ रोम दिया है ये ऑप्शन बिगड़ गया ये ऑप्शन बिगड़ गया ऑप्शन नंबर वन हार्ड डिस्क और डिस्क ये दोनों की दोनों क्या होती हैं सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं क्या होती हैं दोनों की दोनों ये सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं और सेकेंडरी स्टोरेज होने के साथ साथ ये दोनों क्या होती हैं मैग्नेटिक स्टोरेज होती हैं मैग्नेटिक मेमोरी होती हैं कैसी मेमोरी होती हैं ये मैग्नेटिक मेमोरी भी ये दोनों की दोनों होती हैं और इन दोनों की दोनों में और क्या खास बात होती है इन दोनों में ट्रैक्स होते हैं और सेक्टर होते हैं मेरे भाई क्या होते हैं इन दोनों में ट्रैक्स होते हैं इन दोनों के अंदर और सेक्टर भी होते हैं इन दोनों के अंदर सेक्टर वो होता है जहां पर फिजिकल रूप में डेटा स्टोर होता है ठीक है ना और ट्रैक किसे कहा जाता है रिंग की फॉर्मेट में जो ये सर्कल लगे होते हैं इन्हें ट्रैक कहा जाता है और इन सर्कल को जो आगे बांटा जाता है उन्हें सेक्टर कहा जाता है इस तरीके से उन्हें क्या कहा जाता है सेक्टर कहा जाता है भाई क्लियर चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ एंटी सॉफ्टवेयर शुड बी कन्फिगर टू लेटेस्ट यानी कि कह लीजिए कि आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये जो वायरस एंटीवायरस से रिलेटेड है ये क्या आ गया भाई बताओ भाई इसका राइट आंसर जो है क्या होने वाला है भाई कह रहे कि एंटीवायरस कन्फ़िगर होना चाहिए किस चीज से एंटीवायरस जो है आपका कन्फ़िगर होना चाहिए भाई जैसे सिस्टम स्टार्ट करें उसके साथ कन्फ्यूगर होना चाहिए जैसे आप इंटरनेट से जुड़ो तब कन्फ्यूगर होना चाहिए स्टार्ट विद सेलेक्टेड द प्रोग्राम मेनू जब हम प्रोग्राम मेनू स्टार्ट करें तब कन्फ्यूगर होना चाहिए स्टॉप व्हेन आर यू सेंडिंग एन ईमेल जब आप ईमेल भेज रहे हो तब इसे रोक देना चाहिए तो रोकना तो चाहिए नहीं रोकना तो चाहिए ही नहीं।, तो नहीं मतलब अब बात आती है स्टार्ट करने की हमें कन्फ्यूगर करना मतलब स्टार्ट करना यानी कि इसका काम करना शुरू करना तो वो क्या होता है देखो स्टार्ट मेन्यू सिलेक्टेड फ्रॉम द प्रोग्राम मेन्यू प्रोग्राम मेन्यू में जब काम करेंगे तब ही हम क्यों एंटीवायरस को शुरू करेंगे हम तो तभी शुरू करेंगे एंटीवायरस को जब कंप्यूटर स्टार्ट किया है ताकि कोई वायरस कंप्यूटर में ना घुस जाए स्टार्ट अलोंग विद यूअर सिस्टम भाई जैसे ही वैसे ही स्टार्ट कर देंगे जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होगा तभी से स्टार्ट कर देंगे भाई राम राम भाई सभी को राम राम जय हिंद चलिए भाई आ जाओ अगला क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या आंसर होगा ये सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन है किस चीज के क्वेश्चन है आपके सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन है भाई। राम भाई, सभी को राम राम जय हिंद भाई सभी इस क्लास को जो चंडीगढ़ के लिए देख रहे हैं है? स्टार्टिंग से देख लेना खास तौर जो चंडीगढ़ वाले देख रहे हैं जो मैंने बत, बातें बताई हैं आप उनको फॉलो कर लेना ठीक है नस्ट का डी था कौन से का डी था भाई अच्छा चलो देखो आ जाओ अब इसका क्या राइट आंसर होगा भाई बताओ ट्रांसलेटर एक ऐसा ट्रांसलेटर है ट्रांसलेटर कौन से कौन से अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांसलेटर तीन है कौन से कौन से एक तो है मेरे भाई कंपाइलर एक तो क्या है कंपाइलर है ट्रांसलेटर एक है इंटरप्रेटर क्या है इंटरप्रेटर है भाई इंटरप्रेटर है ठीक है और एक है असेंबलर एक कौन है असेंबलर है भाई ठीक है ना तीन है ट्रांसलेटर अपने पास ये कह रहा है कि काम क्या करता है वो देखो जो एंटायर सोर्स जो प्रोग्राम होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है तो एंटायर रिलेट है कंपाइलर से एंटायर किससे रिलेट है मेरे भाई यानी कि पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट कर दे वो कौन होता है कंपाइलर होता है लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर कौन इंटरप्रेटर और असेंबली कन्वर्ट करता है असेंबली भाषा को कौन सी भाषा को असेंबली भाषा को कन्वर्ट करता है जिसके अंदर कैसे कोड होते हैं निमोनिक कोड होते हैं भाई कैसे कोड होते हैं निमोनिक कोड होते हैं भाई जिसके अंदर सिंबोलिक कोड होते हैं तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा कंपाइलर जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई क्लियर है बात सभी को ओके okay, रिपोर्ट है ओके okay, चलिए भाई नेक्स्ट आ जाओ भाई सर जी इस टाइम रोज़ क्लास होती है क्या इस टाइम हर रोज़ क्लास नहीं होती आज ये चंडीगढ़ के लिए स्पेशल है लेकिन कोशिश करेंगे कि इस टाइम क्लास चंडीगढ़ वालों के लिए हो जाए भाई ठीक है सर जी मैं कंप्यूटर सीख गया आपकी वीडियो देख के अच्छा जी प्रीति मैडम अप्रूवल की आंसर ऑफलाइन पढ़ पढ़े ना और आप जो बोलो हो वो चीज़ जानते सुनी सुननी चाहिए अच्छा सर जी मुझे पी वाई क्यू लेने हैं कैसे लें सात जनवरी का पेपर है अच्छा पी वाई क्यू अपनी प्ले लिस्ट कर लो भाई सीई टी वाली बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा भाई बताइए भाई एक प्रोग्राम है हुज फंक्शन इज टू स्टार्ट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग व्हेन पावर इज टर्न ऑन जब कंप्यूटर में से पावर टर्न ऑन की जाती है तो इसका क्या आंसर आएगा मतलब क्या कौन सा सॉफ्टवेयर होता है वो ये कौन सा प्रोग्राम होता है ठीक है ना कौन सा प्रोग्राम होता है भाई तो कौन सा प्रोग्राम होता है देखो कंपाइलर तो है ट्रांसलेटर कंपाइलर तो क्या है मेरे भाई कंपाइलर तो है ट्रांसलेटर इसका काम तो है नहीं इसका काम तो है नहीं ये तो ट्रांसलेट करने का ही काम करेगा लिंकर होता है फाइलों को लिंक करना एक फाइल यहां पड़ी है एक फाइल यहां पड़ी है इनका काम इन इसको लिंक करना लिंकर काम होता है लोड करना काम होता है लोडर का लोड करना किसका काम होता है लोडर का काम होता है जो कि आपका बूट स्टेप लोडर होता है क्या होता है बूट स्टेप लोडर होता है भाई ठीक है ना बूट स्टेप लोडर जिसको हम कहेंगे भाई क्या कहेंगे जिसको हम बूट स्टेप लोडर कहेंगे भाई ठीक है ना बूट स्टेप लोडर भाई सीई मेंस वालों आज से लेकर के और एग्जाम तक जो रात को नौ बजे क्लास होगी ना वो देखना मत भूलना पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको ठीक है ना क्लियर है ये क्लास चंडीगढ़ पीआरटी के लिए बिल्कुल भाई चंडीगढ़ पीआरटी अच्छा लोडर है स्पेशली स्पेशली लोडर दे दिया भाई बूट स्टेप लोडर यही तो मैं लिख रहा था चौथा ऑप्शन मैंने देखा ही नहीं तो बूट स्टैप लोडर राइट आंसर हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा बूट स्टेप लोडर जो है राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बूट स्टेप लोडर ही तो पूछा है है ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी डी बाई डी क्लियर होगी बात सभी को चलिए आ जाओ भाई नेक्स्ट आ जाओ पिक्सल इज पिक्सल जो होता है वो क्या होता है भाई पिक्सल जो होता है वो क्या होता है भाई बताइए भाई पिक्सल क्या होता है एम सी धुरंधर हो जी अब अच्छा मन्ना कौ किसी और दिखो दूं देखिए भाई होता है कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है एक पिक्चर स्टोर इन सेकेंडरी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला सबसे छोटा भाग जो होता है, उसे कहा है। सबसे छोटा भाग जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे पिक्सल कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है पिक्सल कहा जाता है क्लियर है बात भी को ठीक है ओके रिपोर्ट है सी इज राइट आंसर भाई अच्छा आपने पे था जी चलो भाई एमसीक्यू देखो आप भी दुरंधर बन जाओगे थोड़े दिन में जितने ज्यादा एमसीक्यू पढ़ोगे जितने ज्यादा एमसीक्यू पढ़ोगे एक बार सिलेबस पढ़ लिया ओके उसके बाद एमसीक्यू पढ़ते ही नहीं ये सोचते हो कि दो दिन रह जाएंगे एग्जाम में तब पढ़ूंगा तीन दिन रह जाएंगे तब पढ़ूंगा अब मैंने तो ये मेरे ख्याल से सत्तर हजार एमसी पढ़ लिए होंगे तो आप लोग भी जब इतने एमसीक्यू पढ़ जाओगे इतने एमसीक्यू पढ़ जाओगे क्वेश्चन का डाउट ही नहीं बचेगा आप फिर कहोगे सर टाइम तो नहीं होता ना इतना टाइम तो आपको पेपर का पहले पता चल गया भाई छः महीने पहले पेपर का पता चल गया लेकिन आप लोग क्या करते हो कि अभी तो सरकार लेगी नहीं पेपर अभी तो सरकार लेगी नहीं पेपर अभी तो ठंडे बस्ते में चल रहा है करते तो कुछ हो नहीं फिर जो लोग करते हैं वो पा भी जाते हैं फिर डेफिनेटली अब बैठे रहते हैं सरकार केस चल रहा है यार पता नहीं कब होगा पेपर तो के चल रहा है पता नहीं कब होगा पेपर तो जब होगा फिर देखेंगे भाई इतने दिन पहले कौन पढ़े थोड़ा थोड़ा करके तो पढ़ लो जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको तो मजबूत कर लो ठीक है ना चलो देखो इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है भाई तो ये वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कि डीटीपी जिसमें आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग को डीटीपी कहते हैं क्या कहते हैं डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग जिसमें आपका फ़ोटोशॉप पेज मेकर और कोल ड्रा आ जाता है जिसमें क्या क्या आ जाता है फोटोशॉप आ जाता है पेज मेकर आ जाता है और कोरल ड्रो आ जाता है भाई पेज मेकर आ जाता है और कोरल ड्रो ये वाला सॉफ्टवेयर आ जाते हैं यूनिक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स जो होता है ये क्या होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है भाई क्लियर है बात सभी को हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन आ जाओ हाँ कंटिन्यूटी मत तोड़ा करो कंटिन्यूटी मत तोड़ा करो भाई बिल्कुल सही बात है इसका क्वेश्चन का आंसर आने दो इसने, मैं इसने देखो कौन है देखो भाई इसका आंसर क्या होगा के आई पी एस यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ए आई पी एस क्या है किल्लो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड भाई क्या है किल्लो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के आई पी एस क्या है किल्लो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड भाई किल्लो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो है के आई पी एस होता है भाई. तो के आई पी यानी कि कंप्यूटर की सीपीयू की, की स्पीड जो है कंप्यूटर की स्पीड इसमें जाती है आईपीएस में किस में आप है कंप्यूटर की स्पीड आईपीएस में मापी जाती है ठीक है ना लेकिन किलो दिया हो तो किलो में भी माप लेंगे भाई प्रोसेसर की स्पीड को मेगा दिया हो तो मेगा में भी माप लेंगे भाई गीगा दिया हो आजकल गीगा में भी मापी जाती है भाई ठीक है ना इन तीनों में से कोई दिया हो लेटेस्ट जो है वो ये वाली है ठीक है क्लियर है बात सभी को तो राइट आंसर प्रोसेसर हो जाएगा भाई प्रिंटर की स्पीड को जो है कैसे कैसे मापा जाता है प्रिंटर की स्पीड को या तो सी में कैरेक्टर पर सेकेंड या तो एल में लाइन पर मिनट या तो ppm में पेज पर मिनट पेज पर मिनट में मापा जाता है भाई और प्रिंटर की क्वालिटी को जो है किस में मापा जाता है प्रिंटर की क्वालिटी को किस में मापा जाता है फिर प्रिंटर की क्वालिटी को मापा जाता है आपका dpi में डॉट पर इंच में मापा जाता है किस में माँपा जाता है डॉट पर इंच में वहाँ जाता है भाई ठीक है ना क्लियर बात सभी को चलिए भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ जाओ भाई हाँ आजकल तो सभी पेपरों में मतलब देखने को मिल जाता है लेटेस्ट ट्रेंड की चीजें पूछ ली अभी यूपी पुलिस के अंदर लेटेस्ट ट्रेंड का एक ऑप्शन दिया है उसमें कंप्यूटर डाल दिया लेटेस्ट ट्रेंड में तो सारी जगह मिलेगा लगभग कंप्यूटर चिंता ना करो नीति ने पूछ रहा कि सर आपने जो आंसर बताया वो ठीक है क्या आंसर बताए तो ठीक ही तो होंगे तभी तो बताए मुझे तो लग रहा है ठीक है बाकी आप देख लेना भाई क्लास रुका है जी क्लास है हाँ जी द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर इतना परमानेंट है जैसे कि हार्डवेयर होता है स्टोर्ड इन रोम रोम में स्टोर होता है तो वो प्रोग्राम कौन सा होता है वो प्रोग्राम होता है आपका फर्मवेयर क्या होता है वो आपका फर्मवेयर

है? भाई नितिन चेयर तो कम ठीक होए ठीक तो सारे होने दे शुरू में तो पढ़े नहीं होंगे फिर यह बात है लास्ट लास्ट में पढ़े होगा लास्ट लास्ट में पाँच चार दिन में तो चेयर ठीक हो गए बतेरे चार दिन में चेयर ठीक हो गए एक दिन में एक क्वेश्चन मतलब एवरेज फिर तो ठीक है भाई कंबिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर ना प्रोग्राम विच ट्रांसलेट मशीन कोड इनटू आई लेवल लैंग्वेज मशीन कोड को तो कोई बदलने वाला पैदा ही नहीं हुआ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है सी इज राइट आंसर कौन कंपाइलर कौन करता है कंपाइलर करता है है भाई ठीक ना क्लियर है को हाँ भाई हाँ, बिल्कुल वीडियो को हम देखिए सर आप कहां से हो वैसे मैं हरियाणा से हूँ भाई वैसे तो इंडिया से हूँ हरियाणा से हूँ जींद से हूँ नरवाणा से हूँ दमतान साहिब से हूँ और बालक दास पत्ती से हूँ और फूल सिंह के परिवार से हूं <laughs> सर इस टाइम में लगती है क्लास नहीं भाई चंडीगढ़ के लिए वैसे क्लास अपनी रेगुलर नौ बजे चलती है भाई सभी एग्जाम के लिए जो क्लास चलती है अपनी वो नौ बजे चलती है भाई पूरा बैच भाई एल एस एन ऐप पर है ये ऐप जो है इस ऐप पर है अपना पूरा बैच डायमंड जीरो थ्री जो है वो कंप्लीट बैच है भाई डायमंड थ्री कंप्लीट बैच है सभी जॉब के लिए कुछ भी आता तो कुछ चाहे मतलब मतलब क्या आंदोलन में, में भी आंदोल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं ऑल ऑफ दीज ए और बी भी आंसर बना है इसका मतलब मूर्खता है या अगर यू भी आंसर दे दिया और यू भी दे दिया तो ऑल ऑफ दीज भी है ए ओ यू भी है आर यू भी है यू भी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो ऑल ऑफ दिस भी हो भाई ठीक है ना तो यू आंसर भी है और यू आंसर भी है दोनों आंसर है भाई तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के दो प्रकार के एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ है पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है प्लस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर वो वाला सॉफ्टवेयर होता है हो जो हार्डवेयर के ऊपर वर्क करता है हार्डवेयर को चलाता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि तीन प्रकार का होता है कितने प्रकार का तीन प्रकार का होता है कौन सा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज प्रोसेसर तीन प्रकार का होता है ठीक है ना ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भाई चलिए भाई अगला क्वेश्चन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई सोर्स कोड क्या होता है देखो सोर्स कोड होता है जो वो क्या होता है भाई सोर्स कोड बताओ क्या होता है जीन तो लोवे जी अच्छा जीन तो लोवे है लेकिन मेरा गांव जो है वो हरियाणा का लास्ट गांव है पंजाब की तरफ जीन तो लो है मैंने मेरा सारे जन मैंने सोचा है कई बार कि तो है सर और जुलाना के नज़दीक मेरे ख्याल से एक जन कॉल आई कि सर मैं उरेसरी आ रहा हूँ वहाँ है रो भाई मैं तो बहुत दूर हूँ कहा जी आप कहो जीन था और डिस्ट्रिक्ट जींद है लेकिन डिस्ट्रिक्ट जींद तो बहुत बढ़िया है तो हरियाणा का लास्ट गाँव है अपना तो हरियाणा का लास्ट गाँव है पंजाब की तरफ अपना तो नहीं? चलो सोर्स कोड क्या होता है प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज एक प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में लिखा हो ना ना, ना ना एक ऐसा प्रोग्राम टू टू बी ट्रांसलेटेड इन मशीन लैंग्वेज बिल्कुल सही बात है एक ऐसा प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना हो उसे कहा जाता है सोर्स कोड ठीक है ना उसे कहा क्या कहा जाता है सोर्स कोड कहा जाता है उसे सोर्स कोड कहा जाता है क्लियर को कई दिनों बाद आपके दर्शन किए मैंने भी आपके कई दिनों बाद दर्शन किया मैं इंडियन आर्मी कई दिनों बाद मिले हो प्रणाम भाई स्वागत है आपका चलिए अगला क्वेश्चन ले लो अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई जय जा, ब्यूटीफुल पिक्चर आ लेता हूँ पेरोल सॉफ्टवेयर यूज फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज इज ए टाइप ऑफ एम्प्लॉय की सैलरी के लिए जो पेरोल सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उस वो कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर होता है कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर होता है भाई, भाई? बताओ भाई किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा होता है भाई? बता भाई। बताओ अच्छा कंपटीशनल मोटिवेशनल सेट कर रहे हैं कि सर ये सीईटी मेंस में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे रहे हैं तो केस हो सकता है क्या भाई आउट ऑफ सिलेबस उन्होंने ये भी लिखा होगा शायद कि आपने जहां तक क्वालिफिकेशन की है वहां तक का आए, तो मेरे ख्याल से नहीं बनता बाकी देख लो अगर बनता हो वकील से पूछ करके कहीं ना कहीं चांस हो तो सर एक बात बताऊँ आपको नॉलेज बहुत है सर कंप्यूटर मास्टर और भी बता रही भाई स्वागत है देख नितिन नॉलेज नॉलेज तो कही है जो सा आप बताओ ने वही टॉपिक पढ़ाए दें उसके थोड़ी बहुत वो हो रहा है तो मैंने लग गया मास्टर जी ने बतेरा वह है तो मैं एस क्यूएल कहो मैं एस क्यूएल पढ़ा लगूंगी एसक्यूएल शुरू करा बा कहो पाइथन पढ़ा दू जी पाइथन पढ़ाई देहा भाई कद बट टाइम बहुत लागू देखो मेहनत बहुत करनी पड़े देखो सुबह नौ बजे नहीं भाई रात को नौ बजे होती है क्लास रात को नौ बजे क्लास होती है भाई आपका नाम चला है जी अच्छा जी अरे पीएर पाए चलना अगड़िया हूँ चलने है <laughs> पेरल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है भाई क्या होता है पेरल सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है मजाक करने की आदत है मेरी बाकी वकील से पूछना पड़ेगा भाई कंपटीशन मोटिवेशनल एसेट जो पूछ रहे हैं uh, वकील से एक बार संपर्क करना पड़ेगा कि ये सिलेबस दिया है इन्होंने क्वेश्चन इस प्रकार के दिए हैं जो कि पाइथन से क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए पाइथन का तो कहीं जिक्र भी नहीं है सिलेबस के अंदर अगर पाइथन से क्वेश्चन आता है लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है किसी भी लैंग्वेज से उस सिलेबस के अंदर जिक्र नहीं है हाँ एक चीज़ पे फंस जाते हैं हम कहाँ जा करके फंस जाते हैं मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा वो वाली जो मेरे को जानकारी वो बता देता हूँ उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी क्या लिखी हुई है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ है और ये शब्द इतना वास्ट है इसका कोई थोड़ नहीं है कोई तोड़ नहीं है इस, इस शब्द का कोई तोड़ नहीं क्योंकि टर्मिनोलॉजी पायथन भी एक टर्मिनोलॉजी है पायथन लैंग्वेज के अंदर जो चीजें होती हैं वो भी टर्मिनोलॉजी है जो क्वेश्चन पूछे हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड स्ट्रिंग कॉन्केटनेट कॉपी से रिलेटेड वो भी टर्मिनोलॉजी है तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है यहां पे फंस जाता है पेज अगर उन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा इनडायरेक्ट लिख दिया और पूछ रहे कुछ भी है ना चैनल पर और सब्जेक्ट भी शुरू करवा दो फिर आपके फॉलोवर बढ़ जाएंगे फॉलोवर ओवर तो यार बढ़ो ना बढ़ो तो अपना काम करा देखो मेरी एक सोच है कि मैं तो पढ़ाऊंगा कोई पढ़ो ना पढ़ो बाकी सब्जेक्ट शुरू करने का मेरा फिलहाल कोई विचार है नहीं क्योंकि गुड़िया पढ़ाए लिखे साइंस वैसो आए साइंस वो साइंस चल ले जाएगी ठीक है ना चलिए भाई आज हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो अगला क्वेश्चन ले लो मैं क्वेश्चन साथ के साथ आपके कमेंट पढ़ रहा हूं जुगर हरियाणा जी के और मैथ और भी है अच्छा इस तरीके से मना चला है सर दिल्ली की मास्टर फेल कर दिए और हरियाणा की कंप्यूटर जो क्वेश्चन है वो भी आप करवाओ हो भाई देखो वो करवाने पड़ा है अपने यहाँ पर तुक्के किसी के ज़्यादा लग जाए तो दिक्कत हो जाएगी हाँ ये तो है ही भाई कई जगह अकेला कंप्यूटर लिख रखा है गुरुजी उसमें एआई भी आती है कहाँ कहाँ से कैसे करोगे बिल्कुल सही बात है ये तो होता ही है लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ जहाँ तक मेरी सोच है और जहाँ तक देखो जो चीजें मैंने स्टार्टिंग में बताई थी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया और आज भी मैं वो चीजें बताता हूं जितना मर्जी गाड़ियां दे लो सरकार को अभी तक हुआ 2018 से ये काम करते आ रहे हैं लेकिन इससे इतना हो गया दो में जिन्होंने एनालाइज किया था पेपर का 2018 के अंदर और जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि जो भी पढ़ाओगे सर वो पढ़ लेंगे मैंने चीज बताई कि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से चीजें पूछी जा सकती हैं इतना कवर करना है हमने ये तो तो हम करेंगे करेंगे ही करेंगे। तो जो वो कर गए उनके क्वेश्चन बहुत अच्छे गए हैं भाई लेकिन अब सरकार बात तो ये गलत है हम मैं नहीं कह रहा कि मैं समर्थन नहीं कर रहा इस बात का कि पैथन क्यों दे रहे हैं तो मैं समर्थन करता हूँ भाई मेरे कोर्स बिक जाएंगे ऐसा कुछ नहीं भाई पढ़ना आसान नहीं है पैथन भी लेकिन मैंने कहा था कि ये टेन प्लस टू तक का सिलेबस देते हैं एग्जाम के अंदर टेन प्लस टू तक का सिलेबस देते हैं कंप्यूटर का एग्जाम के अंदर और टेन प्लस वन प्लस टू इनकी किताबें जो हैं सी बी एस बोर्ड की सी एच बी एस बोर्ड की उनमें से ही क्वेश्चन है प्लस टू से बाहर का क्वेश्चन नहीं है प्लस टू से बाहर का क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन नहीं है प्लस टू से बाहर का किताबें दिखा दूं मैं आपको उठा उठा करके हा पढ़ने में टाइम तो देखो लगता है प्लस टू वैसे थोड़ी हो जाती है दो साल लगती हैं दसवीं के बाद प्लस टू करने में दो साल लगती हैं और अगर आप कंप्यूटर का पढ़ने लग जाओ तो नौवीं ग्यारहवीं बारहवीं चार साल लगती हैं समझ गए बात आपको और फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना पड़ता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ गए ना लेकिन ये क्वेश्चन ये चीज मैं पहले से ही बता करके चला भाई पहले से बता करके चला अब भी बता रहा हूं मैं शुरू में ही बताया था मैंने आपको हाँ आप प्रोवाइड भी कर रहे हैं ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार पढ़ भी रहे हैं आप चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं दसवीं का ग्यारहवीं का बारहवीं का पेपर पुराने क्वेश्चन सारी चीजें देखो कड़ा तो पढ़ो करता ना पढ़ो देख तो नहीं मेरा देख इस बात का था मैं मतलब करता पढ़ो लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो है आप करवाने लग रहे हैं मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर कोर्स ना बेच सकता कोई दिक्कत तो नहीं मैंने कहना जो कोर्स ले लो मैंने सारा करवा रखा उसे मैं तो आवागा मैंने कहो ही यूट्यूब पर भी करवा रखा मैंने तो एक जना कल का है सर आप मानो ना मानो यूट्यूब पे एक दो क्वेश्चन आपने करवाया कौन रखे थे महा या बात सेम टू यू भाई तो हम मानना है कि नहीं मानना ये करू भी इस बात का मैं मैंने करवाया क्लास तो कौन देख देता मैं सारी इब मान लीजिए इस क्लास में कोई न्यारा क्वेश्चन आ क्या माफी चाहूंगा ये टीचिंग वाले बीच में मैं मतलब तो टॉपिक दूसरा ले रहा हूँ लेकिन ये चीजें बतानी जरूरी है भाई तो बीच में भी क्वेश्चन आ गया मान लीजिए कोई नया क्वेश्चन है ये करवा दिया मैंने ये पूरा तो करवा दिया इसने मैं ऐप में भी डालूं हूँ सेम चीज ऐप में डाल दूंगा मैं तो दोनों जगह हो गया YouTube पे भी हो गया और ऐप में भी हो गया लेकिन अब देखते तो को नहीं केक रहा अभी है नहीं बारह तक कैनशियर्टी पढ़ लूं तो काम चल जाएगा क्या सर कॉमर्स वाले ग्रुप में चल जाएगा भाई मैं ये दावे से कह सकता हूं अगर बारह तक की एनसीआर कंप्यूटर की कंप्लीट कर लेते हो तो नौ में से नो क्वेश्चन आपके करेक्ट होने ये पूरे पूरे चांसेस चांसेस है है मैं गारंटी ले सकता हूं बाई चांस कोई अगर लेटेस्ट ट्रेंड का क्वेश्चन जैसे कल वाले को पेपर में बिग डेटा का डाल दिया था वो सिलेबस चेंज हो गया यह भी ध्यान रखना प्लस वन प्लस टू का हाल ही में सिलेबस चेंज हुआ है और वो नए सिलेबस से चीजें डाल दी हैं ये भी ध्यान रखना सिलेबस पहले डाउनलोड कर लेना मैं डाल दूंगा वैसे टेलीग्राम चैनल में ना सारी चीजें टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा भाई ठीक है जी आज भाई यहां देखो एक बार तो कह रहा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसपोर्ट ट्रांसफॉर्म ए प्रोग्राम रिटर्न इन प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज इनटू एन इक्विलेंट फॉर्म इन मशीन लैंग्वेज वो क्या कहलाता है भाई ट्रांसलेटर कहलाता है वो क्या कहलाता है आपका ट्रांसलेटर होता है भाई जो ट्रांसफॉर्म करता है वो कौन होता है ट्रांसलेटर होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसफॉर्म करता है एक प्रोग्राम को जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में लिखा हो जैसे कि सी लैंग्वेज में है और उसको मशीन लैंग्वेज में बदलता है तो वो कौन होता है ट्रांसलेटर होता है भाई कौन होता है वो ट्रांसलेटर होता है भाई क्लियर है बात छी को चलिए भाई आगे बढ़ा अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है भाई सर अचीवर अकेडमी में बैच की प्रैक्टिस की टाइम होगा यूट्यूब पर चंडीगढ़ का बैच लिया है समझ में नहीं आ रेखा रानी जी क्या करे वो मेरे को समझ नहीं आया क्या कर रहे हो आप एक बार दोबारा लिखना सर मैंने 11 से 12 एन पढ़ रखी है पढ़ रखी है पूछ रहे थे आप तो फिर आपने मतलब टीचर से नहीं पढ़ी मुझे ये लगता है देखो आपने पढ़ रखी है क्वेश्चन कहाँ से बनता है कैसे बनता है देखो वो चीज़ टीचर भी बताता है मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा मतलब आ, आप एच वाला एग्जाम देखना रहे एच वाली सीरीज देखना एक बार उसमें क्वेश्चन ही बता रखे हैं कहां से फॉर्म हुए हैं मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा अभी किताब में से कहां से क्वेश्चन फॉर्म हुआ है बताऊंगा आप ही पढ़ रखी है मैं नहीं पढ़ रखी है मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन कहां से फॉर्म हुआ है एनसीआरटी से ही बताऊंगा आप दोबारा पढ़ो एनसीआर एक बार आपको वैसे पता चल जाएगा मैं नहीं कहता कि मेरे से ही पढ़ो एक बार दोबारा एनसीआर टी पढ़ लो दोबारा पढ़ो एक बार मुझे लगता है आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से था ये क्वेश्चन यहाँ से था जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें से ही पढ़ लेना देखो अब की बार सिलेबस चेंज कर दिया हरियाणा बोर्ड ने भी और सीबीएसई बोर्ड ने भी चेंज कर दिया सिलेबस थोड़ा सा इसी करके डेटा के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उन्होंने एम एस एक्स डाल दी सिलेबस के अंदर हैं हाउ मेनी बिट्स आर देर इन ए बाइट एक बाइट में कितनी बिट होती है भाई आठ बिट होती है एक बाइट में कितनी बिट होती है आठ बिट होती है भाई क्लियर चलिए भाई आगे बढ़ो फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सिक्स मेजर सब सिस्टम ऑफ पी सी नॉट वन ऑफ द सिक्स सब सिस्टम कह रहे कि इनमें से मेजर सिस्टम कौन सा नहीं है वो बताओ मेजर सिस्टम है कौन सा नहीं है बताओ प्रोसीजरल सीबी है मॉड्यूल जिसके अंदर फंक्शन फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज क्या नहीं है स्पीकर नहीं है इसके अंदर क्या नहीं है स्पीकर मेजर नहीं है भाई स्पीकर की, की जरूरत है गाने सुनना हो तो जरूरत पड़े नहीं कोई जरूरत नहीं स्पीकर की कंप्यूटर खेतर तो कोई जरूरत नहीं कंप्यूटर के प्रोग्राम चलाने वास्ते तो इसकी जरूरत है इसकी जरूरत है इसकी जरूरत है यूजर इंटरफेस की भी जरूरत है यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा उसकी ज़्यादा जरूरत है कोई बात नहीं ठीक है ना चलिए अगला क्वेश्चन ले लो द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है भाई? भाई। इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है <coughs> बताऊं कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंपाइलर होता है भाई क्लियर होता? होता है ओके रिपोर्ट okay है हाँ जी बिल्कुल नेक्स्ट आ जाओ मदरबोर्ड इज यूज्ड इन कंप्यूटर एज मदरबोर्ड जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है वो क्या होता है बताओ भाई मैं फिर से बता रहा हूँ सभी को बता रहा हूँ जो सीई टी वाले क्लास देख रहे हैं रात को नौ बजे वाली क्लास अपनी जरूर देख लिया करो जब भी हो जिस भी एग्जाम के लिए हो वो जरूर देख लिया करो सीई टी वाले तो खासकर क्योंकि सीई टी में ओवरऑल है सब आ जाएगा चाहे वो मैं मतलब टीजीटी के एग्जाम के लिए करवा रहा हूँ चाहे पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए करवा रहा हूँ चाहे टीचिंग स्पेशल जो कंप्यूटर का उसके लिए करवा रहा हूँ एस्टेट के लिए करवा रहा हूँ बिहार के लिए यूपी के लिए यूपी पुलिस के लिए राजस्थान के लिए यूपी पुलिस में प्रोग्रामर के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए पंजाब के लिए दिल्ली के लिए जो भी करवा रहा हूँ सी ई वालों तो रात की नौ बजे वाली क्लास अपनी मत छोड़ा करो भाई ये पहले से बता रहा हूँ मैं वो देख लिया करो आप देखोगे जब कोर्स में आगे जा करके वो क्लासें आपको कोर्स में मिलेंगी आप कोर्स से देखो फिर सर मैं जे ओए हिमाचल प्रदेश के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए बिल्कुल सही बात है मदर बोर्ड जो होता है वो क्या होता है मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसे सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है बस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है बस स्ट्रक्चर उसके ऊपर होता है नेक्स्ट अब हिमाचल जे ओ ए के अंदर इतने जबरदस्त क्वेश्चन आए थे वो मैंने सोल्यूशन करवाया था हिमाचल जेओ ए के अंदर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आए हैं हरियाणा के अंदर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आए हैं में और आपका हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आए हैं यूपीपीसीएल के अंदर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आए हैं और एक और था कौन सा एग्जाम था डिफेंस का एग्जाम था उसमें बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आए है अब वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम कभी कभार जैसे बजे वाली क्लास होती है अपनी तो उनमें से मैं मिक्स क्वेश्चन लेता रहता हूँ एक क्वेश्चन उससे ले लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है वहां से ले लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो ये पढ़ो एक बार आप इन चीज़ों को देखा करो नोट कर लिया करो जो चीज़ अलग होती है अपने नोट्स में उनको अलग से नोट कर लो कि ये चीज़ आज मुझे नहीं पता चली है है ना आपने नोट्स तो बनाए रखे हैं आप नोट्स बनाओ तो उसमें अलग से एक पॉइंट बनाना साइड में कि ये चीज़ आज मुझे नहीं पता चली है भाई ठीक है ना

टेलीग्राम चैनल में वो चीजें आपको मिलेंगी। चलिए, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं ये पूछ रहे कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ भाई बताइए भाई कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नहीं है सी बी क्यों कह रहे हो एप्पल कंपनी है एप्पल का मोबाइल एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़े ना है एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम मैक होता है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम आई होता है ये एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल तो कंपनी का नाम है जीनिक्स भी होता है जीनिक्स यूनिक्स बेस्ड होता है विंडो भी होता है यूनिक्स भी होता है है ना डी इज राइट आंसर चलो आगे बढ़ो थैंक यू सो मच चंडीगढ़ वालों को फिर से बता देता हूँ चंडीगढ़ वालों की क्लास जो है एक दो दिन में अगर ये बीच में क्लासें है होती हैं तो आपने जो क्लास देखनी है अपनी वो बता देता हूँ कंप्यूटर चालीसा सीरीज़ है कंप्यूटर चालीसा सीरीज के अंदर एम एस वर्ल्ड एक्सेल पावर पॉइंट के एम सी क्यू देख लो एम एस वर्ल्ड के क्वेश्चन एम एस एक्सेल के क्वेश्चन और एम एस पावर पॉइंट के क्वेश्चन देख लो आप और शॉर्टकट की शॉर्टकट की जो है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा शॉर्टकट की फुल फॉर्म और ये वाली चीज ये देख लो आप आपके एग्जाम में इन चीजों से बाहर नहीं जाएगा भाई ठीक है ना इन चीजों से बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला क्लियर है बात स्वीक को आपका तो नाम ही लाभ है गुरु जी तो आपकी क्लास है। तो मैं तो कह के चलता हूं भाई मानने ना मानने कोई एक दिन के लिए मतलब मैंने कहा कि एक घंटा कंप्यूटर को आप दे दीजिए एक घंटा निकाल लीजिए बस कंप्यूटर के लिए मैं बार बार दोहराता हूँ ये चीज़ें चाहे आप में जो भी हो जहाँ भी जिस भी एग्जाम के लिए देखें एक घंटा अलग से कंप्यूटर के लिए अगर आपके पास एक घंटा भी नहीं है अगले दिन आधे घंटे में वो दो की स्पीड पे आप क्लास देख सकते हो तो वो चीज़ें जब आप पढ़ोगे ये चीज़ों में कमांड बनती रहेगी बनती रहेगी बार बार वो चीज़ें सामने आएंगी तो फिक्स हो जाएगा कि हाँ इसका आंसर ही आएगा सर पी वाले भी देख सकते हैं भाई आप कहाँ रहते हो मुझे समझ में नहीं आता जब मैंने कहा कि चंडीगढ़ के एग्जाम के लिए है तो मीन्स चंडीगढ़ के एग्जाम के लिए है अब वो पीआरटी और टीजीटी पीजीटी में क्यों कन्फ्यूज हो जाते हो आप लोग मैंने कहा वो तीनों के लिए सिलेबस सेम है आप क्यों कन्फ्यूज हो जाते हो इन चीजों में वो सिलेबस सेम है आपसे पढ़ के कंप्यूटर की बहुत नॉलेज होगी दीपिका तनवर स्वागत है भाई आपका आपको नॉलेज हुई है तो आप पढ़े हो तो नॉलेज हुई है आप नहीं पढ़ते तो नॉलेज ना होती ना ना कंफ्यूज मत हुआ करो टी जी टी पी जी टी पी आर टी में सिलेबस से सेम है आपका सभी का ठीक है ना तो आपके लिए वो जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर नहीं किया तो वहाँ पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी अब ये कहाँ था चंडीगढ़ वाला ये रहा चंडीगढ़ वाला ये वाली पी भी मैं टेलीग्राम में डालने वाला हूँ ये वाली पी भी जो है टेलीग्राम में डालने वाला हूँ भाई मैं ठीक है वहाँ से ले लेना और एम की एक्सेल की तैयार कर रहा हूँ एम एस वर्ड की एक्सेल की और पावर पॉइंट की बहुत जबरदस्त क्वेश्चन शॉर्टकट की के साथ तो वहां से ले लेना ठीक है चलिए थैंक यू सो मच भाई सभी को जय हिंद सभी को थैंक यू सो मच Mm. जय हिंद भाई सभी को